तो so गाइजी ये वीडियो जो है वो छोटी मगर काम की होने वाली है जो है वो आप पहले तो डायमंड जो है वो अपना डेट देख लें ये वीडियो जब भी आए ठीक है ठीके? मगर आपको पहले तो ये बताऊं जो अपना आ, सीजे जो थे बाइनानस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड जो है वो अपना फाउंडर उन पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है यू की तरफ से एंड जो है वो इन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है एंड उसके बाद जो है वो इनको फोर बिलियन डॉलर्स का जो है वो जुर्माना भी पड़ा है उसके बाद इन्होंने वो पे भी किया है जुर्माना इससे ज़्यादा पढ़ा है मगर इस पर जो है वो सेटलमेंट इनकी हो चुकी है यू के साथ मीनस ये एक सैन न्यूज़ है फाइनंस के लिए एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में बाइनंस एक्सचेंज जो है वो भाग जाए लोगों के पैसे लेके अभी तो नहीं भागेंगे जाहिर बात है कि इन्होंने जो है वो इतने डॉलर्स का जुर्माना पे किया है तो पहले तो जो है वो ये जुर्माना लोगों से निकालेंगे ठीक है ना और जो है वो अपना यू में बाइनानस को आई थिंक के बैन भी कर दिया है अभी तक तो बैन कर भी दिया होगा इन्होंने ठीक है सो जो है वो इस वजह से बाइनान्स हो सकता है कि जो है वो भाग जाए लोगों के पैसे वगैरह लेकर या क्या भी अगर आपको पढ़े हैं तो आप निकालें फाइनान्स के अंदर जो है वो हो सकता है क्योंकि चांसेस हैं कि तो जो बाइनांस के फाउंडर हैं उन पर इतना बड़ा केस लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का तो हो सकता है जैसे जो है अपना एफ़ टी एक्स वाले भाग गए थे तो इस तरीके से जो है वो इनका भी हो सकता है कि कोई ऐसा को चक्कर लग जाए मगर अभी तो ये ऐसे नहीं भागेंगे अभी ये जो है वो बड़े बड़े अपना जो है वो सेमिनार्स uh, करेंगे एंड उसके बाद जो है वो जैसे ही लोग पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो आने वक्त आने वाले वक्त में ये जो है वो डरा देना बंद कर दें हो सकता है एंड उसके बाद जो है वो चले जाएं हो सकता है ठीक है ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसा नहीं है कि बस मैं बोल रहा हूँ हंड्रेड परसेंट होगा 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 नहीं ऐसा नहीं है हो सकता है ठीक है और यही न्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पर भी पढ़ रहा था अगर अपने कॉइन डेस्क क्वाइंट अकाउंट नहीं बनाया तो बना लें इस इसमें सारी न्यूज़ेज आती हैं क्रिप्टो के रिलेटेड ठीक है और अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किए क्रिप्टो तो स्टार्ट करें टू थाउजेंड जो अपना ट्वेंटी फ़ोर है इसमें जो भी बंदे क्रिप्टो स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये मींस मेरे लिए मेरे ख्याल से तो ग्रेट फुल ईयर होने वाला है क्रिप्टो के लिए एंड खासकर बिटकॉइन के लिए क्योंकि जो है वो बिटकॉइन की बुल रन स्टार्ट होने वाली है इसकी वजह से क्या है मैं आपको बताता हूँ कुछ वजह जो मुझे जो है मैंने जो खुद जो है वो देखी हैं जिनको मैंने खुद एनालाइज़ कराया मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले तो जो बिटकॉइन है उसकी जो है वो हाविंग डेट आने वाली हालविंग डेट अब हालविंग क्या होता है कि हर आने वाले टाइम में जो बिटकॉइन है या फिर जो माइनिंग करते हैं बिटकॉइन माइनिंग जो मशीन हैं ठीक है ठीके? अब होता है इस तरीके से कि बिटकॉइन जो मान लें जैसे ऊबर है या करीम है जो ये सारी चीज़ से आपके अगर गाड़ी घर में फ्री पड़ी हुई है तो आपने जो है वो आ, वहाँ पर रजिस्टर किया और जो है वो उनके लिए गाड़ी चलाई तो उसमें जो कमीशन होता है वो आपको मिलता है इस तरीके से जो है वो काम करते हैं तो इसमें भी जो बिटकॉइन बिटकॉइन के माइनर्स होते हैं वो अपने कंप्यूटर्स में बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो है बिटकॉइन माइनिंग करते हैं और उसके उसमें जो एक्सचेंजेस वगैरह होती हैं ठीक है तो उसमें जो कमीशन होता है तो वो उनको मिलता है तो जो वो मशीनस होती हैं वो लिमिटेड बिटकॉइन माइन करती हैं ठीक है तो हर चार साल के बाद वो जो उस मशीन में जो है वैसे ही रखा होता है उस एप्स में जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें रखा जैसे होता है कि हर चार चार साल के बाद जो है वो उसकी जो है वो क्वांटिटी कम होती जाती है ठीक है वो क्वांटिटी कम होती जाती है कम होती जाती है ठीक है मीन्स जो जितना कमीशन पहले उन बंदों को मिला था उतना कमीशन अब नहीं मिलेगा उससे कम कमीशन मिलेगा तो इससे होगा क्या कि मार्केट में बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी ठीक है क्रिप्टो की सप्लाई कम होगी और आपको पता ही है कि सप्लाई जब कम होगी तो जो अपनी डिमांड बढ़ जाएगी एंड जो है वो बिटकॉइन की प्राइजिस वो ऊपर चली जाएंगी तो ये जो है वो डेट आने वाली है ठीक है 2000 जो है वो 24 में जो भी 2024 में क्रिप्टो स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की खबर है ठीक है और जो कर रहे हैं तो वो उनके लिए तो वैसे ही अच्छी बात है उसके बाद जो है वो बिटकॉइन का जो एक्सपोर्ट का ई अप्रूवल वो भी टू में जो है वो होने वाला है अब ई अप्रूवल क्या होता है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ठीक है जो भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेज हैं या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मान लें जैसे ब्लैक रॉक जो सबसे जो है वो बड़ी मनी मैनेजमेंट की जो है वो कंपनी है ठीक है तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक सबसे बड़ी ठीक है तो मैं आसान जबान में आपको बता देता हूँ कि जो है वो वो जो सारी कंपनीज़ हैं मीन जो सारे कंपनीज़ हैं या बड़े बड़े फंड्स हैं जो या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ठीक है या फिर जो आ, अपना जो है वो वोल्फ स्ट्रीट है ठीक है वो बंदे अभी तक नहीं आए वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करे क्योंकि अभी उनको जो है वो इतना नहीं था कि जो है वो क्रिप्टो बिटकॉइन या फिर जो है वो चला जाए या फिर क्या तो वो नहीं कर रहे थे मगर अब जैसे ही इसका ए का अप्रूवल जो है वो हो जाएगा ठीक है जैसे इस का अप्रू जो है वो ए अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो वो सारे के सारे अपना जो है वो बंदे हैं बड़े बड़े या जो, जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो डायरेक्ट जो है वो इस अपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो इस वजह से क्या होगा कि जितने ज़्यादा वहाँ से बंदे जो है वो इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो इतना जो है वो बिटकॉइन की प्राइज़ ऊपर चली जाएंगी ठीक है तो ये जो है वो दो बड़ी वजह आई ये एक तो बिटकॉइन की जो हैविंग डेट 2024 में आने वाली है उसके बाद जो है वो बिटकॉइन का जो स्पोर्ट का आईटीएफ है वो भी 2024 में अप्रूव होने वाला है तो इस वजह से जो आने वाले बंदे हैं जो न्यू जो है वो क्रिप्टो सीख रहे हैं क्रिप्टो में आने वाले हैं उनके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है और जो है वो इन बिटकॉइन की या फिर जो बिटकॉइन सारी जो है वो बढ़ेगा तो सारी दूसरी जो करेंसी है वो उनमें जो है वो अच्छा खासा जो है वो इफेक्ट पड़ता है एंड जो है वो क्रिप्टो मीन सारी जो है वो बढ़नी जो है वो शुरू हो जाएगी उसके अलावा जो ये बाइनांस वाली ख़बर है इसमें आप को मैं तो नहीं बोल रहा कि आप बाइनांस को छोड़ो या फिर क्या बाइनांस में आप जो है वो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलाओ मगर आप अपना बिटगेट का अकाउंट भी क्रिएट कर लो या बिटगेट या फिर दूसरी जो एक्सचेंजेस है बाय बिटे तो इनमें से किसी का अकाउंट भी बना लो कि ताकि जो है अगर बाइनांस में अगर कोई लोचा होता है या फिर जो है वो इनकी कोई ऐसी बात आती है जिसके ज़रिए हमें जो है वो ऐसा लगे कि ये जो है वो जाने वाले हैं भागने वाले हैं तो उसमें हम जो है वो अपना प्रिपरेशन उसके मुताबिक कर लें ठीक है तो बाइनांस का भी देखें इसका होता क्या है अभी तो जो, जो है वो जो यू एस ए वालों और यू एस ए वे हैं उन्होंने जो है वो वह अच्छा खासा जो है वो पेनल्टी इस पर पे लगाई है एंड उसके बाद जो है वो बैन भी कर दिया आई थिंक बाइनानस को यू एस ए में एंड यू एस ए में जिसकी जो है वो खराब हो गई एक बार रिपोर्टेशन जिस भी चीज़ की तो उसकी पूरी दुनिया में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है क्योंकि यू एस ई जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ठीक है सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या जो हुआ देखेंगे ठीक है अदरवाइज़ जो है वो बिट ग्रेड बेस्ट एक्सचेंज है मैं जो है वो बाइनंस भी सजेस्ट करता हूँ बिड ग्रेड भी आप दोनों दोनों अकाउंट बना लें मेरे खुद के ही दोनों अकाउंट बने पड़े तो जो है वो आप बिट ग्रिट का भी जो है अकाउंट बना के वेरीफाई कर लें ठीक है एंड आजकल तो वही अच्छा चल रहा है वकार का भी उसी उसी को जो है ज़्यादा प्रमोट कर रहा है एंड मेसी भी जो है उसी का ब्रांड एम्बेसडर है और इनका तो जो है वो अभी बहुत बुरा टाइम चल रहा है फिर देखते हैं आगे क्या होता है ठीक है अदरवाइज़ जो भी न्यू बंदे क्रिप्टो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी खबरें हैं मगर जो सिंपल और जो है वो बेसिक जो एक नॉलेज थी जो बेसिक खबरें थी बेसिक जो न्यूज़ थी बिटकॉइन के रिलेटेड वो यही है कि इनका एक जो है वो एक्सपोर्ट का आई अप्रूव होने वाला है टू में एंड उसके बाद जो है वो हारविंग डेट भी है टू में जिसकी वजह से क्रिप्टो बूम करेगा और एक अच्छा खासा बुलर आएगा बट अगर जो है वो अपना इन्फ्लेशन रेट बढ़ा अभी तो कोई तीन परसेंट शायद चढ़ा है मेरे ख्याल से अपना यू में मगर जब जो है वो अगर इन्फ्लेशन रेट उनका बट बढ़ा तो जो है वो इसमें हो सकता है कि डाउनफॉल भी थोड़ा बहुत आ जाए अदरवाइज़ जो है वो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा ठीक है आगे देखते हैं बस मुझे जो है वो ये बाइनाश वाली बात आपको बतानी थी ताकि जो है वो आप आ, उसके हिसाब से जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लो अदरवाइज़ वीडियोज़ नहीं आ रही क्योंकि जो है वो मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी आज भी जो है वो मैं डायरेक्ट जो है वो इसे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर रहा क्योंकि मैं जो है वो फिर से पीसी को ऑफ कर दूंगा एंड जो कि जो है वो सो जाऊंगा तो सबसे पहले हेल्थ हो और उसके बाद जो है दूसरी चीज़ों को हम देखेंगे तो बस ये न्यूज़ थी जो आपको बतानी थी एंड मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दें टाटा बाय